नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे पेज नंबर 39 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, एक QR कोड बना हुआ है, आप उसको अगर मोबाइल से स्कैन करेंगे तो इस चैप्टर के बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा, है ना। तो काफी देखिए फिजिक्स में जो NCERT वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है अवेलेबल। तो खैर, ऑनलाइन ऑफलाइन की बात अलग है, हमें चलना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होती है इसके बारे में समझने की बात है। ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब सरल रेखीय गति, हिंदी में इसको बोलते हैं सरल रेखीय गति। एक सरल रेखा में गति होती है, सरल रेखा समझते हैं, सीधी लाइन, आम भाषा में इसको कहते हैं सीधी लाइन, सीधी रेखा, उसमें जो गति होती है उसको बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अब बात यह, मोशन होता क्या है, सबसे जरूरी बात तो मोशन किसे कहेंगे। ठीक, तो इसमें एक वहां पे जो भूमिका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ उसमें सब बताया गया है कि सभी यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं सब मोशन में, और यहां तक कि यूनिवर्स खुद मोशन में है, मतलब गति करता हुआ है। ठीक, तो वहां से स्टार्ट करके हमको एक पॉइंट पर आना है कि मोशन हम जो डेली लाइफ में पढ़ रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए वो कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मोशन क्या होता है, तो कहेंगे कि मोशन इज अ चेंज। मोशन क्या है, मोशन इज अ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अगर किसी पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पहली बात आप याद रखें, पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, किसी ऑब्जेक्ट का, किसके साथ, टाइम के साथ, यानी चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन बदल रहा हो टाइम के साथ, तो इसका मतलब उसमें मोशन है। ये बात क्लियर हो गई। फिर एक टर्म इसमें यूज किया गया है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, यानी सीधी स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज हमेशा क्या होगा, यानी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा किसी ऑब्जेक्ट का उसे कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या सिंपली लीनियर मोशन। जैसे ये स्ट्रेट लाइन, एक कार है और ये यहां से ऐसे जा रही है, ठीक ना, ये कार है, ठीक, और ये कार ऐसे चलती चली जा रही है सीधी रेखा, क्या बोलेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन चल रही है तो बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद काइनेमेटिक्स क्या होता है, एक टर्म आया इसमें काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को लिखा गया है कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग ठीक इनटू इट्स काज, बिना इसके कारण के जाने, मतलब ये क्यों मोशन कर रही है इसके बारे में ना पढ़िए, उस कारण को ना जानिए, लेकिन आप इसकी मोशन की स्टडी करिए, तो कहा जाए क्या कहा जाएगा, काइनेमेटिक्स। यानी काइनेमेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू इट्स काज, ठीक है, या मोशन, ठीक, मतलब मोशन क्या था आपको समझ में आ गया कि मोशन ऑफ क्या है, कहेंगे चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, कहेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक। काइनेमेटिक्स क्या है, कहेंगे स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू इट्स काज, बिना इसके कारण को समझे। ये तीन बातें लिखी गई थी, इससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये चीजें जनरल नॉलेज की है, इनको आना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं पोजिशन की जो हमें पढ़ना। देखिये किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन, ठीक है, कैसे डिटरमाइन करेंगे आप, कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इसके लिए यानी इन ऑर्डर टू, एनसीईआरटी वाइज है ये, पेज नंबर देखिए यहां पे, पेज नंबर 39 पे है, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई, स्पेसिफाई मतलब निर्धारित करेंगे पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, तो आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, यानी वी नीड टू यूज, एक तो चीज जरूरत पड़ेगी रेफरेंस पॉइंट की, और दूसरी चीज पड़ेगी जरूरत सेट ऑफ एक्सिस, ठीक। मतलब पोजीशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आपको डिटरमाइन करना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो एक रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए, आप उस रेफरेंस पॉइंट से बताइए कि वो ऑब्जेक्ट इतने मीटर दूर है, या इतना फिट दूर है, या इतने सेंटीमीटर दूर है, एक तो ये तरीका हो जाएगा, है ना। यानी इसकी जरूरत पड़ेगी रेफरेंस पॉइंट की, यानी एक किसी रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है ये हमें पता चलेगा तब, यानी जब हम कब, सॉरी क्या बोल रहे थे, हाँ, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने या डिटरमाइन करने की जरूरत पड़ती है वो रेफरेंस पॉइंट की, और इस रेफरेंस पॉइंट से हम ये बता पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस पॉइंट ओ से इतनी दूर है, ठीक। इस तरीके से अब हमें जरूरत पड़ेगी सेट ऑफ एक्सिस की। अब ये रेफरेंस पॉइंट और सेट ऑफ एक्सिस क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर पॉइंट क्या होता है, है ना, सॉरी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, और उसके बाद उसी को ओरिजिन कहा जाएगा, ये क्या चीजें होती हैं, पहले इसको हम समझेंगे। एक डायग्राम बनाया गया यहाँ पे, ठीक, देख पा रहे हैं आप, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट देखिए इस तरीके से रखी गई। अब ये प्लेट चुकी रहेगी तो एक दूसरे से टच तो करती हुई जाएगी नहीं, जाहिर सी बात है,
इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक यानी कि एक वायर ले लें, स्टेट वायर, जिसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना ले ये, इस तरीके से एक ये ठीक, और दूसरा हम बना ले इस तरीके से ये ठीक, इस तरीके से, और दोनों को आपस में मिला दें एकदम ठीक परपेंडिकुलरली मिलाएं, मतलब एक ऐसे रहे दूसरा ऐसे, और ये जाके इसमें भिड़ जाएगा ऐसे। जब ये ऐसे भिड़ेगा यानी इसमें जाके इसमें मिल जाएगा, तो आप देखेंगे इसका जो एकदम मिड पॉइंट है इसका, ये स्टेट ये एक्स एक्सिस मानेंगे, इसको वाई, और ये जो दोनों जहां से मिलता हुआ दिखाई देगा ठीक उसके परपेंडिकुलर, मतलब ये कि एक सीट आप ऐसे ले लीजिए, एक सीट ऐसे ले लीजिए, जब आप उसको मिला लेंगे तो एक लाइन तो सीधी चली गई इधर और एक लाइन ऐसे चली गई, और उसका जो इसके बीच में लाइन बनेगी ये वाली, ये इसको बोला जाएगा जेड एक्सिस, यानी ये तीन एक्सिस हो गई एक्स वाई और जेड, ये बात समझ में आ गई। और ये जो जो, जो इस सीट पर, इस सीट पर ये रेक्टेंगुलर सीट कह लीजिए या रेक्टेंगुलर कोई भी वायर का बना हुआ हो उसको भी कह लीजिए, दोनों बातें एक ही हैं ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे एक्स और वाई और ये जेड एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, उसी को बोला जाएगा रेफरेंस पॉइंट, या उसी को बोलते हैं ओरिजिन, क्या बोलते हैं उसी को, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। और ये जो तीनों एक्सिस हैं एक्स वाई और एक्स, ये रही एक्स, एक्स कहां, ये वाई और ये एक्स और ये जेड, ये जो दोनों, इसको जेड इधर जेड डैश कह लीजिए या जेड कह लीजिए, एक्सिस तो एक्स है, इधर की तरफ बस वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला होता है, इधर पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर नेगेटिव मान लेते हैं, इधर नेगेटिव इधर ऊपर पॉजिटिव ठीक है ना, इसी तरह से जेड में उधर पॉजिटिव मान लेंगे इधर नेगेटिव मान लेंगे ठीक। ये बातें हो गई, तो एक्स वाई और जेड, या फिर इधर वाई है ये एक्स वाई और जेड, ये क्या है, कहेंगे इसको थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, क्या है, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ये हो गई बात। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो सीट है ये क्या है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपकी बुक में लिखा हुआ इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो एक्सिस है यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमें पहले समझ में आ गया रेफरेंस पॉइंट क्या है, कहेंगे रेफरेंस पॉइंट यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहां पर तीनों लाइन, किसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहां पर तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे कहेंगे रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कहेंगे। ये बात समझ में आ गई, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, यानी किसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड जो एक्सिस होती हैं जहां इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। और एक्सिस क्या है, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ही होनी चाहिए ये एक्स वाई जेड में, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसको बना के देखने का जो तरीका होगा, आप सिंपल एक वायर ले लीजिए ऐसे, फिर उसके बाद एक ऐसे वायर, और ये देखिए जहां इंटर दोनों आप जब ऊपर पूरा परपेंडिकुलरली आप रखेंगे तो एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं, उसमें एक डंडी रख दीजिए जहां दोनों आपस में मिले वहीं पर एक डंडी रख दीजिए, आपको एकदम सिंपल एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी वो बात जो हम बताना चाह रहे हैं। ये दिमाग में ही कर लीजिए, मतलब एक ऐसे ले लीजिए ठीक रेक्टेंगुलर सीट, एक ठीक इसके सामने ले लीजिए ऐसे, और ये देखिए जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसके ठीक परपेंडिकुलरली आप इसको मैच कराइए, आप समझ में आ जाएगा कि जेड एक्सिस ये। अब जो ये एक्सिस बन गई एक्स वाई जेड, आप क्या पा रहे हैं कि एक एक्सिस हो जा रही है एक्स वाई जेड, ये इसको बोलते हैं एक्स ठीक, और इसको वाई, यानी तीनों अलग अलग हम पेन से अगर दिखाना चाहें ठीक ना, चलिए ये हो गई आपकी वाई, और उसके बाद एक लाइन हम इसमें ऐसे ड्रा कर दे रहे हैं इस तरीके से ठीक, ये हो जाएगा एक्स, इसको नाम दे देंगे वाई और इसको नाम दे देंगे जेड, ये क्या हो गया एक्सिस हो गई, और इसमें ओ पॉइंट क्या है इसका ओरिजिन है। अब यानी कि सेट अप एक्सिस आपकी, यानी कि ये क्या हो गया सेट अप एक्सिस। अब इस सेट अप एक्सिस के साथ ही साथ आप इसमें एक घड़ी लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए घड़ी, घड़ी समझते ना वही ये वाली घड़ी लगा दीजिए ऐसे, एक ये बड़ी सुई फिर छोटी और ये सबसे बड़ी सुई कहीं ये ठीक, इस तरीके से क्लॉक रख दीजिए, यानी ये जो सेट ऑफ एक्सिस प्लस क्लॉक ये मिलके हो जाता है क्या, कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एनसीईआरटी में तो साफ लिखा हुआ ये बात, ये क्या हो जाती है, यानी ये क्लॉक है ये ठीक, इस क्लॉक पे ये इधर इस तरह से बना रहेगा 3 6 9 12 ये ठीक ना, और ये देखिए सबसे छोटी वाली सुई, उसके बाद बड़ी, उसके सबसे बड़ी, यानी क्लॉक रख दिया और ये सेट अप एक्सिस, ये दोनों मिला के क्या हो जाता है, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस और प्लस उसमें क्लॉक रख दे तो ये जो चीज बन जाती है उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या बन जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको लिख लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इतनी बात समझ में आ गई।
तो ये होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसकी बात वो कर रहे हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिटरमाइन करना चाहेंगे तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, या फिर उसी को बोला जा रहा है क्या, यानी वही रेफरेंस पॉइंट, और दूसरी चीज सेटअप एक्सिस। तो ये है इसका रेफरेंस पॉइंट, ओ इज अ रेफरेंस पॉइंट, अ सेटअप एक्सिस, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट और सेटअप एक्सिस। अब प्लस इसी में क्लॉक लगा दीजिए तो बन जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, ये बात पेज नंबर 40 पे दे रखी है, देखिए बड़े ध्यान से पेज नंबर 40 पे। जब आप यहां पढ़ेंगे इस लाइन को पेज नंबर 40 में, तो वहां पे आपको मिलेगा क्या, ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेबल्ड एक्स वाई एंड जेड, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक, एंड सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट, उसे कह देंगे। ठीक, आगे बता रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम टू मेजर द टाइम वी पोजिशन ए क्लॉक इन दिस सिस्टम। बड़े ध्यान से इस लाइन को पढ़िए, टू मेजर द टाइम वी पोजिशन अ क्लॉक इन दिस सिस्टम दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलॉन्ग विथ क्लॉक, जो ये क्लॉक रखी जा रही है ना, अलॉन्ग विथ क्लॉक कंस्टिट्यूट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें कि एक ओरिजिन हो और उसके साथ ही साथ एक घड़ी लगाइए, तब बन जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या बन गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब समझते हैं जरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू। इसको नोट कर लीजिए पहले अच्छे से, इन बातों को नोट करिए। चलिए अब आगे बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है पहले इसको समझेंगे, ठीक है। कैसे किसी मोशन में या किसी ऑब्जेक्ट की मोशन में, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसमें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसकी बात चलेगी। ठीक, तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक एग्जांपल से हम समझेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद, ठीक ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और ये स्ट्रेट लाइन, और यहां खड़ा है राजू, ये कौन खड़ा है यहां पर, राजू, राजू यहां पर खड़ा हुआ, और एक कार है जो कि इधर से मूव करते हुए चली जा रही है। ठीक, कार कैसे बनती है, ऐसे ही बनती होगी, ये ऐसे कार लग रहा है, कुछ और लग रहा है, कार ही है, कार समझिए इसको, कार। और इसमें एक आदमी इसको ड्राइव कर रहा है, यानी इस तरीके से, ये देखिए इसका हाथ है इस हैंडल पे और ये अंदर आराम से सीट पर बैठा हुआ है। ठीक, ये सीट पर आदमी इस तरीके से बैठा हुआ और इसको कार को ड्राइव कर रहा है, यानी कार को ये आगे की तरफ ड्राइव कर रहा है, ये इस तरीके से कार जा रही है। ठीक, ये कौन है, राजू है, इसका नाम है, हम मान लीजिए हैं राजू, कुछ भी आप मान लीजिए जो जो आपको अच्छा लगे वो नाम राजू। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि, यानी कार विद रिस्पेक्ट टू, ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू राजू, बात को समझिए, इसको हम लिखे यहां पर इस बात को, कि अगर हम कार की पोजीशन देखना चाह रहे हैं कि कार में क्या हो रहा है, ये हम देखना, ये कार ये इधर की तरफ हम ये लिख रहे हैं मूव कर रही है, कार क्या है, मूव कर रही है, यानी मूविंग, इसको लिख दीजिए कार मूविंग है। ठीक है, ठीक, ये कार मूव कर रही है, मूविंग कार है, ये आगे की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि, यानी कार, ठीक, कार विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड, ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू राजू, या फिर ग्राउंड, राजू कहां है, जमीन पर है, यह ठीक, या फिर ग्राउंड, यानी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इससे अटैच, या राजू से अटैच है या ग्राउंड से अटैच है, यानी राजू क्या कर रहा है, इस कार को देख रहा है, तो इससे अटैच फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कार क्या है, मूव कर रही है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, कार मूविंग, ठीक ना, इस बात में कार मूविंग, कार इज मूविंग, कार चल रही है। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम कार देखें तो बैठा हुआ है, और जब बैठे वाले रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कहेगा हम तो बैठे ही, हम कहीं जाए नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कार विद रिस्पेक्ट टू, हम ये बात कर रहे हैं कि कार विद रिस्पेक्ट टू, ठीक ना, चलिए विद रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, रिस्पेक्ट टू पर्सन, ठीक ना,
रिस्पेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विद पर्सन, विद रिस्पेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विद पर्सन सिटिंग, ठीक, सिटिंग इन द कार, एकदम सेम एनसीईआरटी की भाषा है ये, इन द कार। अब जो अंदर बैठा हुआ उसको क्या लग रहा है, जो अंदर बैठा क्या वो भी हिडुल रहा, नहीं, वो एक जगह बैठा ही हुआ, वो रेस्ट में, तो उसको क्या लगेगा, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कहेंगे, फिजिक्स की भाषा है, भले ही वो अपने आप में जान रहा है कि हम चल रहे हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो उससे जुड़ा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में जो कार की मूविंग है या कार की पोजिशन है वो क्या है, यानी कार की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो क्या है, रेस्ट में, जिसको हम बोलेंगे कार इज रेस्ट, कार इज इन रेस्ट, ठीक है ना। अब दोनों कितनी बड़ी बातें हो गई, दोनों कितनी अलग बातें लग रही हैं, कि मतलब ये रुका हुआ है और ये इसको यानी पे यहां पे रेस्ट में है, ये ग्राउंड या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या राजू के रिस्पेक्ट में कार की पोजीशन, कार की पोजीशन लगातार बदल रही है, यानी कार मूविंग है। ये तो बात एकदम आसानी से समझ में आ रही है कि यानी कार विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द राजू या फिर ग्राउंड, कार इज मूविंग, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ये बात कैसे समझे कि कार विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विद पर्सन, ये देखिए अटैच्ड विद पर्सन, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो किससे जुड़ा हुआ है, उस पर्सन से जो कार में बैठा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है कि कार रेस्ट में। अब इसको बात को कैसे समझेंगे, सिंपल है, जब आप किसी बस में सफर करते हैं तो बस का ड्राइवर कार चला रहा होता है, ठीक, और आप अंदर बैठे हुए हैं, तो क्या आपकी पोजीशन या कार की पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में घटती बढ़ती है, मतलब ये कि जैसे आप इस कार के अंदर, ये ठीक, ये बस ड्राइवर है और इस सीट पर, ये बस का ड्राइवर, ये जो कि कार इसे चला रहा है, ठीक, ये सीट पर बैठ गए, ठीक है ना, ये सीट है, इस पर बैठा हुआ और ये देखिए ये ब्रेक पे पैर अपना रखा हुआ। अब ये क्या इसके रिस्पेक्ट में, इस बस के रिस्पेक्ट में, जो ये आप यहां शांति से बैठे हैं, ठीक, और ये मोबाइल चला रहे हैं हाथ में, लेकिन क्या इसके रिस्पेक्ट में, यानी कार की जो डिस्टेंस, मतलब समझ रहे, यानी कार और आपके बीच में क्या दूरियां घट बढ़ रही हैं, कभी ऐसा हो रहा है, इसका मतलब जब आप इसके अंदर बैठे हैं, क्या वो सीट उस कार के रिस्पेक्ट में या उस बस के रिस्पेक्ट में सीट आगे पीछे हो रही है, क्या ऐसा है कि आप उसके रिस्पेक्ट में आगे पीछे हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप आराम से बैठे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, मोबाइल पढ़ रहे हैं, कार में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, ठीक, मोबाइल चला रहे हैं, क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको लगा अरे कार तो आगे निकल गई, मैं तो यहीं बैठा रह गया, उसके अंदर बैठ के आपने ये महसूस किया, नहीं महसूस किया, इसका ये मतलब हुआ कि आपके रिस्पेक्ट में कार हमेशा रेस्ट में रही, आपके रिस्पेक्ट में बस हमेशा रेस्ट में रही, इस लाइन का यही मतलब है। एनसीईआरटी ने बड़ी खूबसूरती से इसको लिख दिया है कि यानी कार विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विद पर्सन सिटिंग इन द कार, जो कार के अंदर बैठा हुआ उसके रिस्पेक्ट में जो कार की पोजीशन है वो रेस्ट में, क्योंकि कार की पोजीशन उस पर्सन के बीच में कभी भी दूरियां घट बढ़ नहीं रही हैं, चाहे समय जितना लग जाए, भले ही 8 घंटे का आप सफर करिए, लेकिन आपके अंदर मतलब जैसे मान लीजिए 4 से 5 घंटे 6 घंटे का आपको सफर है, ट्रेन में, बस में, कार में, चाहे जहां पर, आप उसमें चुपचाप बैठे ही रहेंगे, ठीक ना, जब बैठे रहेंगे तो क्या आप पाएंगे ऐसा कभी सिचुएशन ऐसी आएगी कि कार आगे निकल गई आप बैठे ही हो, या कार पीछे रह गई आप आगे हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपसे जुड़ा हुआ था उसके रिस्पेक्ट में कार हमेशा कैसी थी, रेस्ट में थी, इन बातों का मतलब यही था, ठीक। तो ये चीज होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तो ये हो गया कि जो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, और जो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ग्राउंड है या किसी चीज को कोई पोजीशन है, कोई एक पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में कार को हम देख पाए कि वो मूव कर रहा है, ये चीज होती है। हालांकि इससे नीट में सवाल नहीं पूछा जाता कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये छोटी मोटी बुकलेट जो छपती है जो टीचर लोग बना के देते हैं उनमें पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि पोजीशंस को कैसे डिटरमाइन किया जाए, ठीक ना, इसको पढ़िए पहले, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक, पाथ लेंथ समझते हैं, फिर उसी पाथ लेंथ में हम पोजीशन भी डिटरमाइन करेंगे कि कैसे कैसे पोजीशन घट बढ़ रही है। पाथ लेंथ या इसी को डिस्टेंस कहा जाएगा, ठीक ना। अब अगली हेडिंग आ रही है पाथ लेंथ या इसी को डिस्टेंस कहेंगे, ठीक, क्या कहते हैं, डिस्टेंस। अब ये क्या चीज होती है पाथ लेंथ या डिस्टेंस, बहुत सिंपल सी डिफिनेशन इसकी लिखी गई है
कि पाथ मूव बाई ऑब्जेक्ट, यानी वो जो पाथ कवर कर रहा है, या कवर बाई ऑब्जेक्ट या मूव बाई ऑब्जेक्ट, यही इसकी डिफिनेशन होगी कि पाथ। पाथ मतलब पथ, हिंदी में पथ कहते हैं, अंग्रेजी में उसी को पथ कहिए, ठीक है ना। पाथ मूव्ड बाई ऑब्जेक्ट, ठीक। इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ इसी को कहेंगे, या फिर डिस्टेंस कहेंगे। अच्छा, डिस्टेंस, एक शब्द आया डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कवर करना, यानी कि कितना पथ आपने, कितनी दूरी, सिंपल सी बात है, कितनी पथ एक एक करके कवर किया, ये भी ये पाथ लेंथ हो गई, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक आप पहुंच गए, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपको एक समझना हो तो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लिया हुआ, बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसमें आर ओ क्यू और पी ये डिस्टेंसेस शो करी गई है, पॉइंट शो करिए गए, ठीक। ये देखिए, ठीक, ये हो गया। और यहां पर वो मान ले रहे हैं कि ये ओरिजिन है और इधर की तरफ आर है, जहां पर लिखा हुआ माइनस का 120 मीटर, यहां क्या लिखा हुआ, माइनस का 120 मीटर, ठीक। इधर की तरफ एक पॉइंट क्यू और जहां पर लिखा हुआ 240 मीटर, सीधे इंडिकेट किया गया है। और यहां पर ये पी, ये पॉइंट है पी, और जहां पर 360 मीटर। अब ये देखिए, इस ये जो एक्सिस, यानी ये यहां से यहां तक हमने एक एक्सिस या एक लीनियर लाइन हमने बना ली, जिसमें इधर इस ओरिजिन से इधर की तरफ, यानी इस ओरिजिन से इधर की तरफ, ये देखिए ये ओरिजिन हो गई, ओरिजिन से इधर की तरफ पूरा हमने मान लिया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन हम मान लेंगे। सिंपली क्या कह लेंगे इसको, पॉजिटिव डायरेक्शन। किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में। और इसी ओ के रिस्पेक्ट में हम इधर मान ले निगेटिव डायरेक्शन, ठीक, निगेटिव डायरेक्शन। और इस पर हम जो पोजीशन हम जो शो कर रहे हैं कि ये क्यू है 240 मीटर, इस ओ से इसकी दूरी कितनी है 240 मीटर, ओ से पी की दूरी कितनी है 360 मीटर, ओ से आर की दूरी कितनी है कहेंगे नेगेटिव, यानी अब इसके अपोजिट में 120 मीटर। ये हो गई पोजीशन को डिटरमाइन करने का तरीका, ठीक। अब यहां पर अगर हम कह दें, यहां पर सबसे पहली बात कही कि ये कार है जो कहां से कहां तक चली जा रही है, ए से लेकर पी तक, ठीक। पहली सिचुएशन क्या है, नंबर एक, सिचुएशन नंबर वन, ठीक ना। इसको जरा सीधे से बना लीजिए ताकि आपको ये लगे कि हम परपेंडिकुलर ही रहे, ठीक लगेगा, ठीक है। एक कार है, अब आप बता रहे हैं कि एक कार है इस तरीके से मूव करती हुई चली जा रही है, चलिए, ठीक, ये कार है। और ये कार क्या हुआ, नंबर एक, पहले ये यहां से लेके कहां तक जा रही है, पी पॉइंट तक, कहां तक, पी पॉइंट तक। नंबर एक कहां से, इसको लिखिए नंबर एक, नंबर एक, ये कार कहां से कहां तक, यहां से लेके पी पॉइंट तक गई, ठीक, ये हो गया नंबर एक। नंबर दो बता रहे हैं कि कार अब वापस कहां आ गई, ठीक ना, क्यू पर, यानी ये यहां से यहां गई और फिर उसके बाद देखिए ये यहां से यहां चली गई, ये कार अब की बार कहां आ गई, यहां पर, ठीक, ये इधर कार ही लगे, कुछ और ना लगे, ठीक ना, ये कार अब यहां आ गई, ठीक, ये हो गया नंबर सेकेंड। मतलब यहां से इस ओरिजिन से पी तक गई, फिर उसके बाद वापस क्यू पर आ गई, अब की बार ये कार कहां पर है, क्यू पर। तो कह रहे हैं कि बताइए फर्स्ट वाली केस में पाथ लेंथ या डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, यानी इन केस फर्स्ट, पहले वाले में हम कहेंगे जो पाथ लेंथ है, सिंपल सी बात है, ये फिजिक्स की भाषा में ही समझना हो चाहे आम भाषा में, दोनों बातें समझ में आ रही है कि ये यहां से यहां 360 मीटर गया तो गया, बात खत्म हो गई। यानी पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी या डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कहेंगे 360 मीटर, ठीक, 360 मीटर। अब उसके बाद के सेकंड में, यानी जो ये यहां से यहां गया वापस यहां तक आ रहा है, उसमें देखिए कितनी हो गई बात, यानी केस सेकंड में अब पाथ लेंथ या डिस्टेंस कह लीजिए, है ना, इसी को डिस्टेंस कह लीजिए, वो कितना है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकाले भैया, यहां से यहां तक देखिए, आपको गणित सब कुछ आता है, सब कुछ ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको 340 और प्लस 240 जोड़ देंगे, भैया गलत हो जाएगा ना, तब भाई ये 360 है ये 240 है, कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। देखिए यहां पे क्या लिखा, माइनस 120 और फिर यहां जीरो, फिर यहां 240 फिर यहां 360, इसका मतलब ये 12 का ही है, मतलब 120 मीटर यहां कहीं रहा होगा, तभी तो ये 12 × 24 12 × 33 36, यानी इसके इसके बीच में कितने का गैप है, 120 मीटर का। तो इसका मतलब ये चला 360 मीटर और प्लस वापस जो आया इधर की तरफ हो गया 120 मीटर, कितना चल गया वो 120 मीटर, ये यहां से यहां तक
120 मीटर। यानी ये आप बात समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब आपको क्वेश्चन बहुत आसान पूछेगा लेकिन आपको कंफ्यूज इसलिए करेगा कि आपको कभी कभार ये लगेगा कि हाँ एक्सिस एक्सिस जानता है लड़का कि नहीं जानता या लड़की जानती है कि नहीं जानती है, ठीक है ना। तो 360 मीटर इधर की तरफ और 120 मीटर इधर की तरफ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक 12 × 48 यानी 480 मीटर। ये सेकेंड केस में हो गया, ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस क्या, हम जो डिस्टेंस या पाथ लेंथ डिटरमाइन कर रहे हैं ये क्या, अगर आपसे आपसे ये कहा जाए कि ओ से लेके आर तक गया तो आप यहां क्या कहेंगे, निगेटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है निगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन वो निगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है, कहेंगे सिर्फ और सिर्फ 120 मीटर। यानी कुल मिलाकर हम ये सीख गए कि डिस्टेंस या पाथ लेंथ निकालने का जो तरीका होता है किसी रेफरेंस पॉइंट से तय की गई दूरी, ठीक है ना, या पूरा चला हुआ पथ जितना होता है वो टोटल डिस्टेंस को ऐड कर लेना होता है, उससे हमारी हम पाथ लेंथ या डिस्टेंस हमें मिल जाती है। और खास बात ये कि डिस्टेंस कैसी होती है, तो इसको लिख लीजिए डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक। डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। साथ ही साथ इसकी यूनिट क्या होती है, कहेंगे मीटर, यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। डायमेंशन अगर आपको पता हो तो एल होती है, क्यों, क्योंकि इसमें जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी वो लेंथ मेजर करे, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ। इतनी बात समझ में आती। और अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस बताइए स्केलर है या वेक्टर है, तो क्या कहेंगे, स्केलर है। क्यों स्केलर है, क्यों स्केलर है, ठीक, स्केलर क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन हो और साथ ही साथ वो वेक्टर एडिशन रूल को भी फॉलो करे, ठीक है ना। तो इतनी बात है डिस्टेंस में, हमने सीखा कि पाथ लेंथ या डिस्टेंस क्या होती है, तो पाथ मूव बाय द ऑब्जेक्ट यानी पाथ लेंथ या डिस्टेंस होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये दो बातें एनसीईआरटी में समझाई गई, ठीक इसी तरह से पाथ लेंथ इसके केस में 360 मीटर, इसके केस में 480, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसकी यूनिट मीटर होती है, एम फॉर मीटर, यूनिट लिखा हुआ यूनिट मीटर होती है, डायमेंशन लेंथ होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब ये बात चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे और क्या चीज है। यानी डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, या दूसरे डिफिनेशन इसी को लिख लीजिए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक। कैसे समझेंगे इसको, इसको समझने का क्या तरीका, सबसे सिंपल तरीका इसका कि जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक। एक आदमी इसको यानी एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी दूर की तरफ, जो चीजें यहां पर बनाई जाती हैं या देखी जाती हैं आप उसको हमेशा वर्टिकल देखने की आदत डाल दी है, आपको लगता है कि ये किताब के ऐसे उगता होगा यानी सामने की तरफ, भैया वो जमीन पे होती हुई चीजें हैं, सब जो ग्राफ आप किताब में ऐसे बनाएंगे तो ये आपको सामने दिख रहा नहीं है वर्टिकल, यो ऐसे होता है, यानी एक एक्सिस इधर की तरफ है तो एक एक्सिस इधर की तरफ है, एक एक्सिस ऊपर है। बात को समझिए थोड़ा सा, दिमाग को जमीन पे लाइए, आसमान पे नहीं, जमीन पे लाएंगे तो जमीन की चीजें समझ में आएंगी, आसमान एस्ट्रोनॉमी में समझ में आता है वो उसके लिए दूसरी चीज है, ठीक। यानी एक एक्सिस इधर है, आपको दिख रहा है कि एक एक्सिस इधर चली गई, एक एक्सिस उधर चली गई, एक एक्सिस हमसे ऊपर की तरफ उठते हुए चली गई, अब हम यहां से वहां चल रहे हैं, यानी इसके रिस्पेक्ट में वो दूरी रही, इसके रिस्पेक्ट में ये दूरी रही, इसके रिस्पेक्ट में सामने वो दूरी रही। अब इसको जब कॉपी में बनाएंगे तो आप जाहिर से पाएंगे कि आपको ये वर्टिकल दिखेगा सब कुछ, या फिर हॉरिजॉन्टल दिखे, हॉरिजॉन्टल तो कम ही लेकिन वर्टिकल थिंकिंग ज्यादा आती है किसी भी सिचुएशन, क्योंकि एक टीचर पढ़ाता है इस बोर्ड पे वर्टिकली सारे फिगर ऐसे ही देखने की आदत है इस तरीके से, ऐसे तो कोई बढ़ा नहीं पाएगा कि बोर्ड को ऐसे रख के उस पर चढ़ के समझाए, है ना, इसलिए एनिमेशन की जरूरत पड़ती है। बात समझ आ रही, तो ये इसको आदत डालिए, मतलब ये ए भी यहां लिखा है, इसका मतलब एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट वहां है, इसके बीच की बात चलती है, और कोई बंदा इसको कवर कर रहा है ये ऐसे, कोई एक है जो ऐसे गया, ठीक, यानी एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, इसको बोल दीजिए वन, इसको टू और इसको थ्री, ठीक। तीनों में डिस्टेंसेस अलग अलग है, इसकी डिस्टेंस अलग आएगी, इसकी डिस्टेंस अलग आएगी, इसकी डिस्टेंस अलग आएगी, क्यों,
क्योंकि डिस्टेंस देखिए यहां से यहां तक अगर हम मान लेते हैं 60 मीटर, 60 मीटर, तो जाहिर सी बात है जो इधर से इधर जाएगा वो 60 ही मीटर चलना, तो उससे 60 ही मीटर है, लेकिन वो घूम घुमा के आ रहा है, यानी जो अपनी डिस्टेंस जो तय कर रहा है वो भले ही वो फाइनली 60 मीटर ही चल रहा है, मतलब ये 60 मीटर यानी जो दूरी डिस्टेंस है इसके इसके बीच में कितना 60 मीटर चलना था उसे 60 ही मीटर, लेकिन वो दिमाग लगाया कि हम ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएंगे समय काटते हुए घर पहुंच, जैसे आप लोग क्या करते हैं जब स्कूल की जल्दी छुट्टी रहती है तो घर देर में पहुंचते हैं, रास्ते वही है, क्या करते हैं कभी इस गली में घूम के कभी उस गली में घूम के ऐसे ऐसे तब घर पहुंचते हैं, क्यों, क्योंकि आपको टाइम काटना था, यानी आपने डिस्टेंस ज्यादा कवर करी, ये हो गया डिस्टेंस। और यहां से यहां देखिए एकदम स्ट्रेट एकदम बिल्कुल मिनिमम, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन दोनों के बीच के जो मिनिमम डिस्टेंस है यानी डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसको क्या कहा जाएगा, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या इसके इसके बीच की, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल यहां है और ये घर यहां है, आपका घर यहां है, ठीक है ना, या कोचिंग यहां है रूम वहां है, ऐसे समझ लीजिए, तो इसके इसके बीच की जो डिस्टेंस है यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए और बी पॉइंट के बीच, ये जो चीज होगी वो क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, इतनी बात तो आप समझ गए। ठीक, लेकिन जाने आने का रास्ता है वो इधर है और इधर है, यानी आप जाएंगे तो ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, यानी कोचिंग से घर, घर से कोचिंग का रास्ता है वो ऐसे, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है, लेकिन इनके इनके बीच की दूरी क्या है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, इसको ऐसे भी लिखा जाता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। इसको ऐसे भी मानते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब ये डिटरमाइन कैसे किया जाए कि किसी एक्सेस पर या किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कैसे समझेंगे, तो इसी को एग्जांपल में लिखा गया है, इसको समझ लेते हैं पहले। अच्छा, अब ये मान लीजिए इसी में जो ये एग्जांपल दिया गया है, ठीक, जरा इसको एक बार और समझते हैं कुछ x1 x2 करके, है ना, तो ज्यादा समझ में आएगा, ये चीजें क्लियर हो रही है धीरे धीरे, डिस्प्लेसमेंट एकदम आराम आराम से, क्योंकि शुरुआत में बेसिक चीजें अगर जितनी अच्छे से आएंगी उतना ही ज्यादा क्लियरिटी आएगी सवालों में। चलिए, ये जो चीज लिखी गई इसी को फिर से हम यहां लिख दे रहे हैं एक बार, और ये इसको मान लेते हैं x2 पर है पोजीशन की बार, है ना, x1 मान लिए, x1 एट टाइम t1 कोई ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद x2 एट टाइम t2, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को शो करने का तरीका क्या होता है चेंज, ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे यानी चेंज इन यानी डेल्टा x, ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x। एनसीईआरटी वाले खूब एकदम समझाते हैं हर बार, और डिस्प्लेसमेंट को शो करने के तरीके कह रहे हैं कि डेल्टा एक्स ले लीजिए, और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 - x1, और डेल्टा मीन्स होता है चेंज, ये क्या होता है इसका मतलब चेंज, चेंज इन पोजीशन है, लेकिन ये x2 - x1 के साथ है चेंज, ठीक है ना, डेल्टा एक्स यहां पर x2 - x1, और चेंज आप समझते हैं कि चेंज क्या हो सकता है, कहेंगे जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर डिफरेंस पूछा जाए तो क्या होगा, कहेंगे ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे आपसे कहा जाए कि यहां पर एक नंबर अभी आती है बात, वो भी बात आएगी, ठीक है ना, डिफरेंस की बात हम अभी रोक रहे हैं, यानी ये क्या हो गया ये, और इनके इनके बीच का जो टाइम का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा यानी डेल्टा टी, अगर आपको देखना हो तो वो क्या हो जाएगा, कहेंगे t2 - t1। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट को लिखने का तरीका है इस केस में, वरना आप डिफिनेशन से लिखेंगे तो आप तो तुरंत पता ले जाएंगे, ठीक है ना, तो फिजिक्स की भाषा में लिखना और खासतौर से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो ये चीजें है। अब देखिए पॉजिटिव या निगेटिव कब होगा, ये भी बात है, क्योंकि x2 अगर बड़ा होगा हमेशा, जाहिर सी बात है इसका मतलब x2 का नंबर अगर हमेशा बड़ा होगा, x2 इज ग्रेटर देन x1 तो ये क्या होगा पॉजिटिव, अगर इसमें x2 इज लेस देन x1, जैसे यहां पे x2 मान लीजिए 10 है और ये 3 है तो 7 आएगा, ये 10 है ये 5 है तो 5 आएगा, अगर ये 5 हो जाए ये 10 हो जाए क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये 5 है माइनस 10, तो बड़े वाले में से छोटे को घटाइए बड़े वाले का साइन लगा दीजिए, क्या हो जाएगा ये, यानी निगेटिव कब आएगा जब x2 कम हो, किससे x1 से। अब ऐसे सिचुएशन सोच पाएंगे आप, अभी देखते हैं जो एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, ठीक अभी उसी से समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज बता रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह वेक्टर क्वांटिटी होती है, अब वेक्टर इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करना है क्योंकि हमें पहले से ही तय है इस चैप्टर में नाम कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात चल रही है तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब एक ही, वेलोसिटी और स्पीड सारी की सारी बात स्ट्रेट लाइन में ही करनी है, यानी वन डायमेंशन है,
वन डायमेंशन मतलब एक डायरेक्शन ही है, पर्टिकुलर वन डायमेंशन, तो इसमें वेक्टर की बात बता रहे हैं कि नहीं करनी, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को लिख लीजिए यहां पर, चलिए इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं, इतना नोट कर लीजिए फिर लिखिए। चलिए यानी डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है भाई साहब, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक। अभी इसको समझ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट में भी ठीक पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होगा आपको पता है, जब फाइनल पोजीशन की वैल्यू मैग्नीट्यूड ज्यादा, ठीक, निगेटिव या फिर जीरो हो सकता है। अच्छा दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी भी मीटर होती है और डायमेंशन इसकी लेंथ होती है, आपको पता है। एम्फर यूनिट है, एम्फर मीटर एक यूनिट, ठीक। इतनी बातें हो गई, वेक्टर में बोथ दोनों होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा इसमें डायरेक्शन, वेक्टर क्यों, क्योंकि इट हैव बोथ, वेक्टर के लिए लिख लीजिए एक बात, हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। फिलहाल के लिए इतना जो एनसीईआरटी में बताया गया है, वेक्टर वाले चैप्टर में और भी चीजें वेक्टर के बारे में जानेंगे, ठीक ना। इतनी बातें हो गई, अब जरा एग्जांपल से समझते हैं कि इसको कैसे हम डिटरमाइन करें कि किसी सेट्स में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ये कैसे कह देंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये कैसे। देखिए फिजिक्स की भाषा में ही फिजिक्स समझ में आएगी, आम भाषा में फिजिक्स को अप्लाई कर लिया जाता है, ठीक है ना, बात को समझिएगा। क्योंकि ये देखिए एग्जाम में आपको ये थोड़े पूछेगा कि आप घर से निकले और रास्ते में गए, ऐसे नहीं पूछता वो, इसमें उसमें सीधे टर्म यूज किया जाएगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट, इस शब्दों से फिजिक्स पूछी जाएगी। तो इन शब्दों को आम भाषा में समझ लीजिए चलेगा, लेकिन अब आम भाषा में फिजिक्स भी समझ लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन फिजिक्स के सवाल फिजिक्स की भाषा में ही समझ लगेंगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आएंगे। अब हमें चेंज आ गया कि डेल्टा एक्स लिखा, तो डेल्टा एक्स आम भाषा में बताइए क्या होता है, किसी घर से निकलिए फिर डेल्टा एक्स बताइए। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैथमेटिकल टर्म में समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पर, फिर वही एग्जांपल एनसीईआरटी वाले उठा रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि ये ओ पॉइंट है और यहां आर दिया हुआ है, और ये आर है जहां पर लिखा हुआ माइनस का 120 मीटर, और ये जो पॉइंट है यहां पे सबसे किनारे पी हुआ जो कि, और यहां पे पी स्क्वायर क्यू जो यहां लिखा हुआ 240 मीटर और यहां 360 मीटर, ठीक। फिर वही सवाल कि कह रहे हैं डिस्टेंस, यानी एक कार मूव कर रही है तो कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। नंबर एक, सीधे सीधे एग्जांपल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फ्रॉम ओ टू पी, ओ टू पी, फ्रॉम क्यू नहीं, फ्रॉम ओ टू पी, नंबर एक ये पूछे। तो इसके केस में देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक की दूरी, मिनिमम डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक, चूंकि स्ट्रेट लाइन है ये बात है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 360 मीटर, यानी कितना हो जाएगा 360 मीटर। और यही चीज डिस्टेंस भी होगी, तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, ये बात तो तय हो गई। अब दूसरा में, यही चीज डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फ्रॉम ओ टू क्यू, अब कार आपकी बार यहां आ गई, कार कहां आ गई, यहां आ चुकी है, तो इस अब बताइए ओ से क्यू के बीच की डिस्टेंस, यही तो हुआ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, चूंकि मिनिमम डिस्टेंस यानी ओ से क्यू के बीच की दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। आपको समझ में आ रही बात कि कह रहे कार डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फ्रॉम ओ टू क्यू, तो आप अगर ये यहां से यहां फिर वापस यहां जोड़ देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आएगी, ये क्या आएगी नेट डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कहेंगे इसके और इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या इसके और इसके बीच के शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस हो कितनी है 240 मीटर, तो लिख दीजिए यहां पे क्या 240 मीटर, इसको लिखने में तो कोई टाइम नहीं लग रहा, ओ टू क्यू, ठीक है, ओ टू क्यू कितना आ जाएगा 240 मीटर। अगर पी से लेके क्यू के बीच में पूछा जाए तो यही डिस्प्लेसमेंट, तीसरा लिखे, तीसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फ्रॉम पी टू क्यू, अब इसके इसके बीच की दूरी कितनी है 120 मीटर, इसको लिख दीजिए 120 मीटर, इतनी गणित तो आती होगी, ठीक, बात समझ में आ गई इतनी बात। अब कह रहे हैं कि अगर कार वापस ओ पे आ गई, कहां आ गई ओ से, अगर डिस्टेंस अगर इसमें पूछा जाए तो कहेंगे इसमें डिस्टेंस भी यही रहेगी, डिस्टेंस अगर इसी से पूछ लिया जाए तो कहेंगे 360 मीटर,
इसमें अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो यही रहेगी, नहीं, इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 360, ये और प्लस का 120, ये जाहिर सी बात है क्योंकि ये देखिए यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, क्योंकि ओ से क्यू के बीच की दूरी पूछी गई थी हमसे, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहां पे 480 मीटर। ये तो आता है ना, 120 360 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400, अरे भाई 12 × 36 12 × 48 480 मीटर हो गया। अब इस तरह से यहां से पी से क्यू की तब बात चली 120 मीटर, तो जब पी से सिर्फ और सिर्फ पी से क्यू है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगी, क्योंकि पी से लेके क्यू तक ही पूछी गई, ओ से नहीं पूछा गया। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होगी, तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जहां से पूछा गया है वो बातें सेम लिखी हुई है, ठीक है, इसका मतलब इसमें इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 मीटर। अगली बात बता रहे हैं कि कार मूव फ्रॉम कहां से कहां तक, ओ से लेके पी एंड बैक टू ओ, ये तो हो चुका, ठीक है, ओ टू ओ, नंबर 4 ओ टू ओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार कहां से, फ्रॉम ओ टू ओ, मतलब एक बार ये यहां से इधर गई फिर वापस इधर आ गई, तो इसके केस में डिस्प्लेसमेंट कितना 0, लेकिन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ऐड कर दीजिए दोनों को 360 प्लस 360, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ओ से लेके पी तक गया और पी से वापस इधर, ओ टू ओ वाया पी, ये शब्द लिखना चाहिए था, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 360 और प्लस 360 कितना होगा 72, 72 को क्या लिखेंगे 720 मीटर। अब अगर आपसे पूछा जाए ओ से लेके यानी ओ से मूव करते हुए कहां चली गई, आर पर, नंबर 5 लिख दीजिए इसी में, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार कहां से, फ्रॉम ओ टू आर वाया कहां जा रही है, पी होते हुए, मतलब यानी ये यहां से यहां फिर वापस यहां आ रहे, तब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी निगेटिव में, अब यानी डायरेक्शन बदल चुकी है इसकी, यानी 120 मीटर, इसको क्या लिखेंगे -120 मीटर, जबकि डिस्टेंस ये पूरी और प्लस 120 और जोड़ दीजिए, ठीक है ना, ये पूरी और 120 और जोड़ दीजिए तो 720, तो डिस्टेंस को लिखिए 720, ये प्लस 120 दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 840, ठीक 840 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई, यानी अगर इसको हम अगर न दिख रहा हो तो इसको ऊपर लिख दे रहे हैं कि ये देखिए 360 प्लस 360 दोनों एक हो जाएगा और इसमें डिस्टेंस ऊपर लिख दे रहे हैं, आपको कंफ्यूजन हो, ये हो जाएगा 720 मीटर। गणित आनी चाहिए थोड़ी बहुत, नहीं तो कैसे काम चलेगा, 720 मीटर, और ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस इसका, यहां पर डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये 720 हो ही चुका था ये, और प्लस सीधे सीधे लिख दे रहे हैं कितना 840 मीटर, ठीक 840 मीटर। फिर से समझिए, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, वेक्टर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मीटर और लेंथ, इतनी बात समझ आएगी एग्जांपल के तौर पर कि आर ये कार ओ से लेकर पी तक गई, इसका मतलब कि इसका डिस्प्लेसमेंट हमें और डिस्टेंस दोनों बराबर है, ठीक है। आगे बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फ्रॉम ओ टू क्यू, ओ से लेकर क्यू तक वाया पी तक ये घूमी है, यानी ये यहां गई फिर ये यहां आई, तो कितना हो गया 240 मीटर, लेकिन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 360 जो यहां तक चला वो, ये 120, इनके बीच की दूरी 120 मीटर है, कितनी हो जाएगी 480 मीटर। फिर कह रहे हैं कि यहां से बताइए पी से लेके क्यू, यानी पी से क्यू सिर्फ पूछा गया इतनी दूर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएगी। फिर कह रहे हैं ओ से ओ तक वाया पी, यानी ये यहां से यहां गया फिर वापस यहां आया, ठीक है ना, तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट कितना 0, क्योंकि यहां पर जब आ गया तो मिनिमम और फाइनल पोजिशन, यानी इनिशियल और फाइनल पोजिशन दोनों सेम है, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 0 है, है ना, इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि दोनों को ऐड करना होगा 360 मीटर यहां गया वापस भी 360 आया, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डबल हो जाएगी, कितना 720 मीटर। फिर कह रहे हैं कि ये ओ से वाया पी होते हुए आर तक आ गया, तो अब बताइए इसका मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना, कहेंगे सिर्फ इतना कि इस इनिशियल यानी इस रेफरेंस पॉइंट से अपोजिट है यानी नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव का 120 मीटर, और डिस्टेंस कहेंगे डिस्टेंस यहां से यहां तक ये पूरा और वापस ये यहां तक, यानी ये यहां तक 720 मीटर प्लस 120 कितना हो जाएगा 840 मीटर। यह है बात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, यानी कुल मोटी मोटी बात हमें यह समझ में आई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन बन सकता है,
अब उसके बारे में जरा सीख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसका मतलब जो हमने अभी तक सीखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वो क्या एक सीखी बात कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी, ये तो बात पता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं। तो इन्हीं को शब्दों में एनसीईआरटी में इस बात को लिखी जा रही है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी, बात को समझिएगा, मे और मे नॉट बी इक्वल टू पाथ लेंथ या डिस्टेंस। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि डायरेक्शन की बात नहीं करी, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड, जैसे 10 मीटर लिखा हुआ है तो अगर डायरेक्शन बता जा रही है 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट में, तो ये जो 10 है जो मैग्नीट्यूड है प्लस 10, ठीक है ना, प्लस माइनस छोड़ के, जैसे यहां लिखा गया एक बार प्लस 10 मीटर, एक बार लिखा गया माइनस 10 मीटर, तो जो ये वाली वैल्यू लेते हैं ना, ये इतनी, ये मैग्नीट्यूड कहलाती है 10। तो जो इसका मैग्नीट्यूड है 10 है ना, इस तरीके का, एक बार डिस्प्लेसमेंट प्लस 10 मीटर, एक बार डिस्प्लेसमेंट माइनस 10 मीटर, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। इसका जो मैग्नीट्यूड है उसी की बात चल रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे आर मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ, हो सकता है पाथ लेंथ के बराबर हो, सकता है ना भी हो, दोनों बातें सही है, ठीक ना। पहले वाले केस में हमने देखा कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर थे। आगे बता रहे हैं इसी चीज को फिर से लिखा जा सकता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन, यानी किसी मोशन के दौरान, ठीक ना, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चली है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जीरो, लेकिन उससे जुड़ी पाथ लेंथ जीरो नहीं होगी, ठीक है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट जीरो। सेकेंड केस, थर्ड केस में हमने देखा जब ओ से लेके ओ तक वाया पी होते हुए, जब वो ओ से पी फिर पी से ओ तक आ गया, इसका मतलब कितनी, 720 मीटर दूरी तय हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसी चीज को कहा जा रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन मानी मोशन के दौरान, ठीक है, मे बी जीरो, कितना हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन उससे जुड़ी कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब संगत, उससे संगत जो पाथ लेंथ या डिस्टेंस है इज नॉट जीरो। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल या ग्रेटर देन हो सकती है किससे, मैग्नीट्यूड। ये देखिए जो बड़ा लिखा है ना, ये जो इस तरीके से बड़ी लाइन बना के बीच में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना, किसी चीज को मैग्नीट्यूड में, जैसे यहां पे लिखा हुआ वेलोसिटी, ठीक, यानी ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये देखिए 10 मीटर, तो इसी तरह से 10 मीटर पर सेकेंड, इस चीज को लिखने को कहते हैं, ये मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस इज ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के, या फिर इसी को देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको नीचे लेते आइए, ठीक है, यानी किसी चीज को लिखते हैं ना, जैसे 2, ठीक, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो 2/x, ये साइन इसी तरह से इक्वल का साइन, अब इक्वल की जगह ये वाला साइन इज 1, ठीक, इसी तरीके से इसको लिखा गया है कि डिस्टेंस ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो इसी को डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट विद मैग्नीट्यूड, यानी ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से भी सवाल कहीं कहीं मिल सकते हैं। ये बातें हो गई, अब हम चलते ग्राफ की, पेज नंबर 41 पे 3 ग्राफ बनाए गए, इनके ग्राफ के बारे में समझ लेना है, ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए इस बातों को। चलिए अब है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ मोशन, ठीक है, हेडिंग क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ मोशन, ठीक, ये चूंकि हेडिंग तो है नहीं इसमें, लेकिन ग्राफ के नीचे लिखा हुआ पोजीशन टाइम ग्राफ, जो ग्राफ बनाए गए हैं पेज नंबर 41 पे, उसमें लिखा हुआ पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया गया है, तो इसको हम समझ लें। देखिए पहला ग्राफ है, ठीक, एक्स और टी के कर्व, इसी को कहते हैं एक्स टी में, पहला ग्राफ बनाया गया इसमें एक नंबर एक पर, कि यहां एक्स लिखा हुआ है और एक्स और यहां टी है टाइम, ठीक है, और बताया जा रहा है कि जो ये लाइन है सीधी, देखिए एक्स, ये इस पे एक लाइन ऐसे ड्रा करी गई, इसका मतलब समझते क्या है, इस ग्राफ का मतलब, इस ग्राफ का सिंपल सा ये मतलब है कि देखिए ये टाइम है, चूंकि ये टाइम की लाइन बना दे रहे हैं, थोड़ा सा ये टाइम है, ठीक। अब आप किसी ग्राफ में क्या सीख सकते हैं, इसमें कुछ एक्सिस भी ये क्या लिखा रहता है, इस तरह से लिखा रहता है ना, ये टाइम है तो 1 सेकेंड टाइम के लिए लिख रहा था, यहां 1 सेकेंड, यहां 2 सेकेंड, यहां 3 सेकेंड, इस तरह से, यहां मीटर में लिखा रहेगा 1, 2, 3, 4 मीटर, ठीक, मीटर में लिखा रहेगा। और यहां बताया जा रहा है कि टाइम, तो इधर से टाइम 1 सेकेंड पर भी इसकी पोजीशन फिक्स है, है ना, इसको लिख दे कितनी मीटर लिए हैं ये, यहां पर 40 मीटर, ठीक है, ये जो एक्स है यहां पे लिखे 40 मीटर, यानी जब हम घड़ी देख रहे हैं 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड तब
तब भी ये जीरो सेकंड, ये वन सेकंड, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ठीक है ना, ये सेकंड में है। जब हम घड़ी देख रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि वन सेकंड पर भी वो 40 मीटर पर है, दो सेकंड पर भी वो 40 मीटर पर, तीन है भैया तब भी 40 मीटर पर, फोर सेकंड पर 40 मीटर, फाइव सेकंड पे 40 मीटर। इसका मतलब यानी 40 मीटर से आगे पीछे नहीं हो रहा, यानी इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट मोशन में या रेस्ट में, ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में, इस ग्राफ को देख के बताना है। यानी पोजिशन मोशन कब बोलेंगे, जब टाइम के साथ पोजिशन बदलेगी। यहां टाइम के साथ पोजीशन बदल रही है, नहीं बदल रही है, यानी टाइम देखिए 1 सेकंड पे 40 मीटर, 2 सेकंड पे 40 मीटर, 3 सेकंड पे 40 मीटर, 4 सेकंड पे 40 मीटर, 5 सेकंड पे 40 मीटर, बदली नहीं रही है, तो क्या कहेंगे, यानी मोशन में, यानी ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी या फिर रेस्ट। इस ग्राफ से तो आपको यह पता चल गया, ठीक, तो इस बात को यही लिख लीजिए, यह नंबर एक ग्राफ है, अच्छे से हेडिंग वेडिंग डाल लीजिए भैया, जितना बढ़िया लिखेंगे उतना बढ़िया आएगा, ठीक है ना, ठीक। तो इसका मतलब इससे इस ग्राफ से देख के हमें क्या पता चल गया, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या फिर इन रेस्ट में, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कैसा है, इज स्टेशनरी, स्टेशनरी समझते हैं, रेस्ट, ठीक। दूसरा ग्राफ बनाया गया इसी में, ठीक है ना, इस ग्राफ को समझना जरूरी है क्योंकि इस ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ग्राफ सेकंड और उसके बाद एक ग्राफ और, तीन ग्राफ बनाए गए, ठीक, इसको यहां बना दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर ले रहे हैं। चलिए ये यहां से ऐसे, और इसमें देखिए लाइन ऐसे बनाई गई, ठीक, और यहां क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, हम मान लेंगे क्या लिखा है, ठीक है ना, ये एक्स है और ये टी है। चलिए अब देखिए यहां पर अगर ये वन सेकेंड तो ये वन मीटर, ठीक, इसी तरीके से अगर ये वन मीटर इतना ही मान लिया तो छोटा करना पड़ेगा ना, ये टू है, ये थ्री है, ये देखिए टू सेकेंड, फिर इस तरीके से ये यहां पर थ्री सेकेंड, ये बराबर दूरी रहेगी भाई साहब, ये फिर ये चार सेकेंड, फिर ये पांच सेकेंड, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, मतलब एक सेकेंड में एक मीटर, तो अगले एक सेकेंड में फिर एक मीटर, 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 यानी इक्वल डिस्टेंस, यानी इक्वल टाइम में इक्वल, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, यानी मोशन में जो ये डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम है, या टाइम के दौरान जो डिस्टेंस कवर करने का, यानी जो डिस्टेंस है वो घट बढ़ नहीं रही, मतलब हर सेकेंड एक मीटर, यानी इस एक सेकेंड में एक मीटर, ये देखिए दो मीटर, यहां लिखा हुआ दो मीटर, यहां तीन मीटर, यहां चार मीटर और यहां पांच मीटर। जब ऐसे सिचुएशन हो तो क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब यानी पर सेकेंड जो डिस्टेंस कवर करने का जो लेंथ है, या जो डिस्टेंस है ना, पर सेकेंड जो डिस्टेंस है वो सेम रह रही है। इसको लिखिए ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी इसमें लिख लीजिए इस बात को, ऑब्जेक्ट कवर, ठीक ना, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक, दैट इज हम ये लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट, यानी यूनिफॉर्म मोशन है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। इसको लिखिए यूनिफॉर्म मोशन, ये आपसे पूछा जाएगा, ये सब ग्राफ बना के स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, ठीक। और आ जाइए अब तीसरा ग्राफ है, इसको यहां पर डिस्क्राइब कर लेते हैं तीसरे ग्राफ को, ठीक, बड़े सावधानी से इसको बनाना होगा, ग्राफ नंबर तीसरा, इसको इस तरीके से बना ले रहे हैं यहां पर। इस ग्राफ में देखिए यहां से जीरो से लेके कहां तक, 10 सेकंड तक, यहां पे लिखा हुआ 10 सेकंड, और फिर यहां पे 18 सेकंड, फिर यहां पे आगे 20 सेकंड, ये इधर की तरफ टी हो गया, और ये डिस्टेंस को लिखे एक बार 296, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए यहां से ग्राफ जो बना रहे हैं वो यहां से यहां तक जा रहा है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे चला गया, ये कुछ ग्राफ है ऐसे, ठीक।
इस ग्राफ का मतलब क्या हो गया कि ये देखिए, ये यहां से बड़ी सावधानी से इसको बनाना होगा। जब आप ये सही से बना लेंगे तो आप इसको इसके बारे में अच्छे से समझ भी जाएंगे, ठीक है ना। ये इस तरीके से, और यहां लिखा हुआ 296 मीटर, पेज नंबर ये 41 पर ही है सब मामला, ठीक है ना। ठीक, 296 मीटर, ठीक। अब देखिए इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, यानी शुरुआत के 10 सेकंड तक, देखिए शुरुआत के ये यहां से यहां तक 10 सेकंड तक, ठीक, शुरुआत के 10 सेकंड तक, यानी 1 2 3 4 5 10 सेकंड तक। क्या ये यहां से देखिए, ये है पोजीशन, ये नीली लाइन, ये जो ब्लैक लाइन दिखाई गई, ये यानी जीरो से स्टार्ट होना चाह रहा है ये, लेकिन 10 सेकंड तक वो रेस्ट में रहा, लेकिन जैसे ही 10वां सेकंड आ रहा वो स्पीड पकड़ ले रहा, और वो स्पीड अप होते हुए कितने डिस्टेंस कवर करा, 296, ये लिखा ना 296। बड़े ध्यान से देखिए इसको, यानी ये देखिए ब्लैक लाइन है वो किसकी, एक्स की, ये एक्स के लिए खींची गई है, और ये टी लाइन है, ठीक है ना। तो ब्लैक वाली जो बताई गई यहां, ब्लैक काला अक्षर भैंस बराबर है, वो उसमें दिखाया जा रहा है कि देखिए जीरो से लेकर 10 सेकंड तक कोई इसमें चेंज नहीं हुआ, यानी वो रुका हुआ है अभी तक, लेकिन जैसे ही 10 सेकंड हो रहा है वो स्पीड अप हो रही है, और स्पीड बढ़ते 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 इसके 296 मीटर तक चली गई, 296 मीटर पर सेकंड। ये अलग बात हो, पहले हम वो समझे कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, इतनी ये बात क्लियर हो रही कि नहीं। बड़े ध्यान से देखिए इसको, ये क्या है, इसका मतलब ये 296 मीटर, यानी 10 सेकंड से बढ़ते बढ़ते ये यहां आ गई, लेकिन जैसे ही 18 सेकंड हुआ, 18 से लेकर 20 सेकंड, अगले 20 सेकंड तक देखिए ये जो ग्राफ, ये यहां से यहां एकदम स्ट्रेट हो गया, इसका मतलब फिर ये 18 से के बाद अब 20 सेकंड तक, 18 के बाद, ड्यूरिंग 18 नहीं, 18 के बाद और 20 सेकंड तक ये क्या है, रुक गया, क्योंकि ये देखिए पोजिशन 296 मीटर ही रही, यानी यहां पर पोजिशन क्या, स्टॉप यानी रेस्ट किया गई, यहां पर क्या है रेस्ट, इसका मतलब ये भी रेस्ट है, और यहां क्या है रेस्ट, सिर्फ और सिर्फ इतनी दूर क्या है मूवमेंट है, यानी मूव कर रही है, यानी स्पीड अप है, ठीक। तो इस बात को लिखिए टी इज इक्वल टू, इसी चीज को यहां एक्सप्लेन कर लीजिए, टी इज इक्वल टू 0 to 10 सेकंड, कार इज रेस्ट, टी इज इक्वल टू 0 to 10 सेकंड, कार किसमें, कार के लिए डिस्क्राइब किया गया, कार कहां है, कार रेस्ट में है, ठीक। लेकिन t इज इक्वल टू 10 से लेकर 18 सेकंड तक, t इज इक्वल टू 10 to 18 सेकंड, क्या कहां मोशन में, क्या यूनिफॉर्म मोशन है, कहेंगे नहीं। देखिए यहां से यहां तक ग्राफ देखने में लग रहा है कि यूनिफॉर्म, अब बना भी लीजिए यूनिफॉर्म, अगर आप ना बना लिए तो ये लिखा यूनिफॉर्म ही है, तो बना लीजिए, क्यों यूनिफॉर्म है, ये देखिए इसको ऐसे बनाया गया, ये ऐसे यूनिफॉर्म ही दिखाना है आपको थोड़ा सा, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, अब ज्यादा सही लग रहा है, अब यूनिफॉर्म है, अगर लहराता हुआ ग्राफ हो जाएगा तो कहां होगा यूनिफॉर्म, तो ये बनाए हैं बड़े सटीक तरीके से, आपको लगेगा कि वो यूनिफॉर्म नहीं, लेकिन वो यूनिफॉर्म का ही ग्राफ है, यानी कार मूव, इसको लिखेंगे 18 सेकंड तक, कार मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इसको लिखिए कार मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। अब t से 18 से लेकर 20 सेकंड तक स्टॉप, कार क्या है रुक गई, यानी t is equal to 18 to 20 सेकंड, ग्राफ देखकर ही एकदम बात करनी थी, कार कहां है, कार रेस्ट में, कार रेस्ट में, क्यों रेस्ट में, क्योंकि ये देखिए पोजीशन क्या है, बदल नहीं रही है, पोजीशन डज नॉट चेंज, इसको लिख लीजिए क्यों, क्योंकि पोजीशन डज नॉट चेंज। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप कहेंगे इस बाहर से आया है, ठीक है। तो ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ मोशन जो कि एक्सटी ग्राफ है, ये इसके लिए था, भैया ये इसमें इंक्लूड मत कर दीजिएगा, ये इसके लिए है, ठीक, ये इसके लिए है, ठीक, और ये थर्ड वाले के लिए, ये यूनिफॉर्म मोशन में इसमें बता रहा है कि 0 से लेकर 10 सेकंड तक कार रेस्ट में है, फिर उसका फाइनल में भी कार रेस्ट में, बीच में मोशन हो रहा है और भी यूनिफॉर्म हो रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, यानी आज हमने क्या सीखा, आज हमने कुल मिला के ये सीखा, पोजीशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ठीक। इससे जो जुड़ी बातें सारी हमने सीख ली, और ये सबसे बेसिक है, तो इसलिए आज का लेक्चर बहुत बेसिक और बहुत ही आपको लगेगा बोरिंग वाला है, लेकिन बोरिंग नहीं थी, ये काम की बातें हैं, जरूर आनी चाहिए, क्योंकि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इसमें बहुत सारे ग्राफ बनाए जाएंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए शुरुआत इन्होंने ऐसे ही करते हैं एनसीईआरटी वाले, आपको लगेगा बड़ा टफ टफ पढ़ाते हैं, जबकि बहुत
देखिए होता क्या है कि आपको बेसिक्स जब नहीं क्लियर रहेगा तो चीजें टफ लगेंगी, जाहिर सी बात है। इसलिए बेसिक्स पढ़ लेंगे तो चीजें बहुत आसान ऑटोमेटिक हो जाएंगी। इसलिए बेसिक्स आज सारे के सारे हमने समझ लीजिए, इसको खूब ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से 2-3 बार समझ लीजिएगा। पहले तो ये नोट कर लीजिए, इतनी बातें नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं आप, ठीक ना। कल की बात है कि यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, पूरा एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड और उससे रिलेटेड नीट में या फिर जेईई मेंस में जो सवाल आए हुए उनको भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक।